आज के इस वीडियो में हम सब सीखेंगे एक नई जानकारी जो आप ईमेल के बारे में, आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। आपका कोई पर्सनल ईमेल अकाउंट है, उस ईमेल अकाउंट को आप बहुत जगह पे दे दिए हैं पर्सनल ईमेल अकाउंट को, लेकिन आप चाहते ये मेरा पर्सनल अकाउंट ही रहे, इसमें फालतू का मैसेज ना आए, तो इस स्थिति में आप क्या कर पाएंगे? बताइए क्या कर पाएंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए, अगर कोई भी आपकी ईमेल एड्रेस पे मेल करता है तो वो ऑटोमेटिक दूसरे ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्डिंग हो जाएगा, आपके मेल पे आएगा भी नहीं, वो ऑटोमेटिक आपके दूसरे मेल पे फॉरवर्ड हो जाएगा। आप चाहते हैं तो उस मेल को दोनों मेल पे फॉरवर्डिंग ले सकते हैं, आपके मेल पे भी आएगा और उसके भी मेल पे जाएगा। तो या अपने मेल पे नहीं, दूसरे के मेल पे आप फॉरवर्डिंग कर दीजिए अपने अपने मेल पे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं ये आसानी से, आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं भरेगा ये ट्रिक से। तो चलिए आज के इस वीडियो में सिखाते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ नया सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास दो ईमेल ओपन है, एक मैंने क्रोम में ओपन कर रखा है, एक मैंने ओपरा ब्राउजर में ओपन कर रखा है। तो ये जो ईमेल मैंने ओपन किया, इसका आप जो लोगो, जो यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं, और ये मैं क्रोम का, आपको क्रोम का लोगो इस तरह का है, ठीक है। दोनों ईमेल मैंने लॉगिन कर रखा है, दोनों अलग अलग ब्राउजर में मैंने लॉगिन कर रखा है। अब इस ईमेल पर जो भी मेल आएगा, हम दूसरे मेल पे उसको लेना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये जो हमारा इस लोगो वाला, ये देख पा रहे हैं ये ईमेल, इस पर जो भी मेल करेगा तो वो ऑटोमेटिक उस ईमेल पे फॉरवर्ड हो जाएगा जिस ईमेल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए, इस ईमेल का हमारे पास जितने मेल आएंगे सारे मेल को हम दूसरे पे फॉरवर्ड करेंगे। अब इस पे जो आने वाला मेल है इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, इसलिए इस ईमेल को हम ओपन कर लेंगे। अब इस ईमेल का हमें मेल फॉरवर्ड करना है, तो इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन मिल रहा है, सेटिंग के आइकन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग, तो सेटिंग पर सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक मिलता है फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग एंड पीओपी, ये वाला ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं फॉरवर्डिंग, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपको जो इंटरफेस दिखने को मिलेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को, यहाँ भी फॉरवर्डिंग है, एड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे आपको वो ईमेल एड्रेस देना होगा जिस ईमेल एड्रेस पे आप इस का जितने मेल उस पर मंगवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उस ईमेल एड्रेस को आप एंटर कर दीजिए। तो चलिए उसको एंटर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिस ईमेल पे हमको मेल चाहिए वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक इस तरह का विंडो ओपन हो, इस तरह का एक नया विंडो ओपन होगा इस तरह, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस आप दिए वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस भी रहेगा जिस पे आप भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर दिए, आप वो ईमेल एड्रेस ओपन करना है जिस ईमेल एड्रेस पे आपको आपका मेल चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमको सारी मेल जो है उस मेल का इस मेल पे चाहिए, तो इस पर एक कन्फर्मेशन लेटर आया यहाँ पे, देखिए जीमेल टीम की तरफ से, ये आप देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे आप मेल पे ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले इस तरह का, और यहाँ पे रिसीव मेल फ्रॉम इस ईमेल, मतलब इस ईमेल पे जो मेल आएगा इस ईमेल पे तो वो आपके मेल पे आएगा यहाँ पे बताया गया। उसके बाद जिस ईमेल पे आएगा जो वो मेल दिया गया है, और आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया, उसके बाद एक कन्फर्मेशन कोड भी यहाँ पे दिया गया है, ये कन्फर्मेशन कोड है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, सभी का अलग अलग कोड रहता है, इसको हम कॉपी कर लिए हैं।
अब देखिए यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस, अब यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज कन्फर्म फॉरवर्डिंग मेल ऑफ, मतलब कि कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है इस मेल पर जो भी मेल आएगा टू, अब उसको अपने मेल पे, इस मेल पे लेना चाहते हैं तो कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह है, ये सक्सेस हो चुका है। तो चलिए अब उस ईमेल एड्रेस को ओपन करेंगे जिस ईमेल एड्रेस से हमको इस ईमेल एड्रेस पे सारे मेल चाहिए। तो चलिए उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको फिर वही करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉरवर्डिंग एंड पीओपी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड का एक बॉक्स ओपन हो चुका है, वो कोड जो आप कॉपी किए थे कन्फर्मेशन कोड, उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। चलिए वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह का हो चुका है हमारा वेरीफाई। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल फॉरवर्डिंग सेलेक्ट है, तो हमको करना क्या है, फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इस पे जो मेल आएगा वो किस मेल पे जाएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप किस कौन कौन सा मेल आप उस मेल पे लेना चाहते हैं, किस किस मेल, किस तरह का मेल। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे किस टाइप का आपको मैसेज चाहिए। तो ये चार ऑप्शन, चारों का क्या मतलब होता है ये हम आपको विस्तार से बता देंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों का मायने हम बता देंगे, कौन सेलेक्ट करेंगे वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करता हूँ, जो भी मेल आएगा मेरे पे तो इस पे भी रहेगा और उस पे भी फॉरवर्ड हो जाएगा ये सेलेक्ट। और चारों का क्या मायने है और चारों क्या बताता है, क्या दर्शाता है, ये हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, सिंपल से नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारा सेव हो चुका है। यहाँ पे लिखा है यू आर फॉरवर्डिंग टू योर ईमेल एड्रेस। तो ये फॉरवर्डिंग का जो ऑप्शन था ये ओपन हो चुका है। अब देखिए हम आपके सामने एक मेल करते, दूसरे ईमेल एड्रेस से हम इस पे एक मेल करेंगे अभी। तो देखिए मैंने दूसरे मेल एड्रेस से एक मेल कर दिया है, ठीक है। इस पे दूसरे ईमेल एड्रेस से हमने मेल किया, इस पे वो मेल हो भी चुका है। अब हम इसको रिफ्रेश भी यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश में कर रहा हूँ, तो रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश जैसे किए हम, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक हमें मेल आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम इस पे आ जाते हैं जिस पे मैंने मंगवाया था, ये मेल हम इस पे ओपन करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए वही, यहाँ पर भी आ चुका है इस मेल में भी, और हमको इस मेल में भी वो मेल आ चुका है। चलिए इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा था वीडियो टेस्टिंग, तो वीडियो टेस्टिंग के लिए भी मेल किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका हिस्ट्री हमको बताएगा, तो मुझे तो बता देगा ये कहाँ से आया, ठीक है। और इस पे जो मेल आया है, ठीक है, तो इस पे बता देगा आप मेल दूसरे आदमी ने दूसरे ईमेल एड्रेस पे किया है, तो वो आपको यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिटेल आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह तो आप मेल कर चुके हैं, मेल को एक्टिव कर चुके हैं। अब चाहते हैं इसे बंद कर देंगे, अब हमको नहीं चाहिए अपनी फॉरवर्डिंग मेल को दूसरे मेल पे फॉरवर्ड करना। तो उसके लिए फिर से सेटिंग पे के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अब बंद करना सिखा रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे फिर से फॉरवर्डिंग एंड पीओपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिसेबल फॉरवर्डिंग पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाना, यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। अब जो ये है हमारा, ये सेव हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे एक पट्टी था, अभी एक पट्टी पे लिखा हुआ था नोटिफिकेशन, तो अब वो भी हट गया, अब ये एक्टिव था, तो अब वो भी डिसेबिलिटी हो गया है, डिसेबल हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो में आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा कि मेल सारे मेल को किस तरह कॉपी करते हैं, दूसरे मेल पे दूसरे पे मूव करते हैं, ये आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। अगर आपका रिस्पॉन्ड आपका सपोर्ट इस वीडियो पे अच्छा रहा और लाइक किए, कमेंट किए, सब्सक्राइब किए, सपोर्ट अच्छा कीजिए, तो आपको वो वीडियो बहुत जल्द मिलेगा जिसमें आप सीखेंगे सारे मेल को कॉपी किस तरह करते हैं या मूव कैसे करते हैं दूसरे ईमेल पे। तो इस पे जो ईमेल है उसको दूसरे पे कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वही बड़ी आसानी से। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन शर्त है सपोर्ट करना आपको ज़रूरी है। सपोर्ट कीजिए हमारे हौसले को, अब जाहिर कीजिए, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और फ्री में आपको नई नई जानकारी देके नई नई चीज़ें सिखाता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक।